हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय लिटिल शो। मैं हूं हर्षमंडल और आप देख रहे हैं यूनिक वेल मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ जेन्युइन मेथड्स बताऊंगा जिससे मैंने अर्निंग किया और मैं अर्निंग करता हूं। उस मेथड को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शायद उस मेथड को अगर फॉलो करोगे अच्छी तरीके से तो आपके पास एक अच्छी अर्निंग और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि अपने डोमेन में, क्योंकि अच्छी पार्ट टाइम अर्निंग तो आप किसी भी काम से कर सकते हो, बहुत से काम है दुनिया में, लेकिन अपने डोमेन में रह के अर्निंग करने का एक मजा जो होता है वो अलग होता है। तो कैसे अर्निंग कर सकते हो पार्ट टाइम, चाहे फिर कॉलेज में हो या पास आउट हो या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हो या फिर जॉब सर्च कर रहे हो, एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, और आप ऐसे जितने लोग कर रहे होंगे उन लोग कमेंट करके बताना जिससे कि दूसरे लोग मोटिवेट हो, आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। जब वो मोटिवेट होंगे तो वो स्ट्रांग होंगे, आप सबकी जो कम्युनिटी अच्छी बनेगी। तो इसलिए दूसरों की हेल्प करना ना भूले। तो चलिए बताता हूँ किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो। गाइस, आप सब जानते हो कि अगर हम लोग, क्योंकि हम सिविल इंजीनियर हैं, तो आपके रिलेशन में जितने लोग होंगे, ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ आपको, कुछ ये हवा वाली बातें नहीं है, जितने लोग होंगे अप्रोक्स सबको पता होगा कि आप सिविल इंजीनियर हो। अब बोलोगे यस सर, तो अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो क्या आपको ऑटोकैड आता है क्या? बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ऑटोकैड सीखा होगा। परफेक्शन लेवल का ऑटोकैड सीख लो। परफेक्शन लेवल का ऑटोकैड कैसे सीख सकते हो, मैंने यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे वीडियोस डाले हुए हैं, बहुत लोगों ने डाला हुआ है, और भी न समझ आए तो सीरीज से प्रॉपर सीखना है तो unixsimil.com पे जाना। 800-900 रुपए का कोर्स है, शायद 500 का ही है। उसको कंप्लीट एक एक स्टेप से देख के कंप्लीट स्टेप वाइज लर्न कर जाओ, सीख जाओ प्रॉपर। आपके पास ऑटोकैड आ चुका है, ऑटोकैड के बाद गाइस आप कोई भी एक मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर सीख लो। वो हो सकता है 3ds Max हो सकता है स्केचअप हो सकता है रेविट हो, ठीक है। इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख लो, ये मत सोचो कि ये, ठीक है। आप रेविट सीखो, मैं अगर प्रीफरेबल मांग रहे हो तो मैं बोल दूंगा रेविट सीखो। अब आपको मॉडलिंग आ गई, अच्छे अच्छे मॉडल्स क्रिएट करो, अच्छे अच्छे मॉडल्स क्रिएट करो, और मॉडल्स क्रिएट करने के साथ उनकी प्लानिंग भी तैयार करो प्रॉपर। जब प्लानिंग तैयार करो तो विथ वास्तु तैयार करो, और उनको हैशटैग के साथ अपने सोशल मीडिया पे और अपने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस आपकी सर्किल तो होगी ही, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर सकते हो। कैसे भी करके आप अपने को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दो, ऐसा हो जाए कि आपके सारे रिलेटिव्स को ये पता चल जाए कि आप बहुत ही अच्छी अच्छी मॉडलिंग करते हो। चाहे फिर वो इंटीरियर की मॉडलिंग हो, उसके लिए 3ds Max से करो, या फिर एक्सटीरियर बिल्डिंग डिजाइनिंग हो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से करते हो। अब क्या हुआ, आपके मान लो कि लगभग 10 रिलेटिव हैं, कितने रिलेटिव हैं, 10 रिलेटिव हैं, और नो डाउट उन 10 के 10 रिलेटिव्स तो जरूर होंगे। तो 10 से कितने हो गए आप, 100 हो गए, 100 हो गए, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि दो स्टेप तक तो लोगों की जान पहचान रहती ही है, उनके रिलेटिव को, उनके रिलेटिव, और कभी कभी तो उनके ऊपर भी रहते हैं। मतलब कि अगर उन 100 के अगर 10 रिलेटिव हैं, अगर वहां तक आपका अप्रोच है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आप ऐसे कॉन्टेक्ट वाले पर्सन हो, तो 1000 लोगों तक तो आपकी रीच है। अब 1000 लोगों तक वहां से रीच मिलती है, प्लस आपके सोशल मीडिया पर मुझे नहीं लगता कि 1000-2000 के नीचे आपके फॉलोअर या फ्रेंड जो भी होते हैं वो होंगे। तो अब क्या हो गया, आपके पास 3000-4000 लोगों की रीच है। अब इसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3000-4000 लोगों में से किसी के पास साल भर में एटलीस्ट 4 मेंबर ना आए। कितने मेंबर, 4 मेंबर ना आए, 4 मेंबर्स, 4000 लोगों में से केवल 4 मॉडल आपको कॉन्टेक्ट चाहिए, 4 कॉन्टेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में आप डाल दो एनीवन कॉन्टेक्ट फॉर फ्री मॉडलिंग, और फ्री की चीजें ना इतनी जल्दी बिकती हैं, इतनी जल्दी लोग आ जाएंगे आपके पास कि पूछो मत। अब उस फ्री के काम में आप अपना पूरा डेडिकेशन दे देना, और डेडिकेशन के साथ आप मॉडल क्रिएट कर दो, और होना रहे मॉडल क्रिएट कर दो, और मॉडल क्रिएट करने के बाद अब जब वो बन जाएगा आपका मॉडल, मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, वो जब मॉडल बन जाएगा तो उनके इनोग्रेशन में बहुत से लोग आएंगे। कौन आएगा, बहुत से लोग आएंगे। थोड़ी सी खर्च कर दो, ठीक है, थोड़ी सी खर्च कर दो, और खर्च करने के बाद वहां पर अपने विजिटिंग कार्ड को रख दो। ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे वाओ क्या घर बनाया है, क्या अच्छा मॉडल किया है, इसकी डिजाइनिंग मुझे बहुत पसंद आई। अगर उनके इनोग्रेशन में अगर कम से कम 50 लोग आ रहे हैं, तो 50 लोगों से वो काम आपका 500 लोगों तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा, 500 लोगों तक। ये बहुत ही बेसिक रीच बता रहा हूं, वैसे फैलता तो बहुत ज्यादा है क्योंकि मैंने किया, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो अब अगर आप 500 लोगों तक यहां से रीच पा रहे हो, तो डेफिनेटली कई लोगों को, जब कई लोग कुछ
देखने आते हैं ना, उनका भी मन में आता है मैं भी बनाऊंगा, आते ही इसीलिए चलो देख लेता हूँ उसका कैसे है, वैसे फिर मैं भी बनाऊंगा। तो आप वहां से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आप अगर एक तैयार कर दिए मॉडल, 5 कस्टमर आपको इजिली मिल जाएंगे। अब आप कैलकुलेट कर लो कि 5 कस्टमर से आप कहां जा सकते हो, क्यों 5 का इनोग्रेशन होगा, आपको पहुंचना है, ठीक है, आपको पहुंचना है, इतना अच्छा उनके साथ बॉन्डिंग बनानी कि आपको इनवाइट भी करें। तो आप उनसे पहुंचे तो 5 से अगर 25 कस्टमर मिल रहे हैं, तो आप एक कस्टमर से स्टार्ट किए थे और कहां पहुंच गए आप 25, और फिर 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आप कहां पहुंच रहे हो। अब जब पहले प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट के लिए एक नॉमिनल कॉस्ट आप चार्ज कर दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने चार्ज को, काम जैसे इंक्रीज कर रहे हैं क्वालिटी वैसे ही चार्ज को इंक्रीज कर दीजिए। तो इस तरह से एक छोटा सा मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर और छोटा सा प्लानिंग का सॉफ्टवेयर सीख के कितनी अच्छी पार्ट टाइम अर्निंग हो रही है आपके पास, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप 3 महीने मेहनत करो, 3 मंथ्स, अभी मैं सोचो कि कोई भी चीज क्या बोलते हैं, आज ही किया आज ही हो जाए, ठीक है। हमारे एक कहावत होती है ना कि उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम, तो अगर आज आम बन गया है तो ऐसा कोई नहीं, फिर वो जैकपॉट वाले दूसरे जो लंबे लंबे फेंकते हैं वो लोग होंगे तो पा सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं कि एक दिन में अमीर हो जाते हैं लोग। मैं ये बिलीव करता हूँ कि 3 मंथ्स, 6 मंथ आपको लगेंगे किसी भी काम में, पेशेंस के साथ करना पड़ता है। अब इसमें सोशल मीडिया आपका हेल्प कर सकता है, हो सकता है आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो तो आप जल्दी जल्दी रीच कर सकते हो। अभी देखो सोशल मीडिया का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी तक मैं भी आपको सबको पता होगा मैं इंस्टाग्राम फेसबुक इन सब पे ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहता हूँ, और न ही मैं टेलीग्राम वगैरह पर रहता हूँ। बट अभी मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक अलग हमारी टीम है तो उन्होंने अभी स्टार्ट किया है मेरे इंस्टाग्राम पर काम करने के लिए। आप सब लोग भी जुड़ सकते हो, अगर आपको मॉडलिंग के अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेने हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सी लर्निंग लेनी है, पोस्टर्स मैं ही देता हूँ, शेयर वो करते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करते रहते हैं। तो अब सोशल मीडिया तो आप चला ही रहे हो, उसमें कुछ ज्ञान की बातें मिल जाए तो क्या बात है, इसको बोलते हैं सोने पर सुहागा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू अगर थोड़ी सी नेटवर्क बना के और थोड़ा ये काम करके अपना नेटवर्क इंक्रीज करते हैं, तो आपको मॉडलिंग और प्लानिंग दोनों काम आराम से 5 से 7 हज़ार रुपये एक प्रोजेक्ट पर मिनिमम मिल ही जाएगा आपको। अब चलिए तो हो गया आपका धीरे धीरे, ये क्या ये ऐसी चीज है कि अगर आप क्वालिटी देते गए तो बढ़ता चला जाएगा और क्वालिटी डिक्रीज करते गए तो घटता चला जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कितने बार कितने डेडिकेशन के साथ करते हो, ठीक है। पूरी डेडिकेशन के साथ करो, आप देखते होंगे मैंने पहले स्टूडियो में पहले वीडियो कैसे बनाता था, मैं नॉर्मल बनाता था, फिर धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ और सीख रहा हूँ, धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर रहा हूँ, तो भाई क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। चलो दूसरी चीज, चलो एक तो हो गया इस तरीके से, कई लोगों को मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और कई ऐसी लड़कियां होंगी जिनको इंटीरियर का बड़ा ही अच्छा, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन में समझता हूँ, उनको ज़्यादा समझता है। तो अगर आपने गर्ल्स में हो, ठीक है, तो आपके पास स्केचअप और 3ds Max एक बेस्ट ऑप्शन होता है, वहाँ से इंटीरियर डिजाइनिंग सीखो, और इंटीरियर डिजाइनिंग सीख के आप आज के टाइम में शो ऑफ की दुनिया है, शो ऑफ की दुनिया है। कौन नहीं चाहता कि मेरा प्लान प्रॉपर दिखे, मेरा रूम ड्राइंग रूम ऐसा दिखे, वाओ, ठीक है। तो हर कोई शो ऑफ करना चाहता है, और ये इतनी अच्छी चीज है कि जिसके जितने फ्लैट होंगे उतने ज्यादा इसमें काम निकलने वाले हैं। तो एक आप अगर 3ds Max को थोड़ा इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छे अच्छे करना स्टार्ट करते हो, स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस और इसी तरीके से इंस्टाग्राम फेसबुक थोड़ा सा सोशल मीडिया को यूज करते हो, और थोड़ा बहुत अपने पर्सनल फ्रेंड्स को शेयर करते हो, देख भाई मैंने ये बताया है, ठीक है। अब जब इस तरीके से तुमने शेयर किया है तो तुम्हारा काम इंक्रीज होता चला जाएगा। अब मान लो कि मेरे पास कोई काम आता है और तुमने मुझे कभी मॉडल भेजा है, मैं सोचूंगा अच्छा हाँ यार उसने भेजा था ना, क्या बात है, उसने बहुत अच्छा बनाया था, तुमको चाहिए क्या इंटीरियर डिजाइनर चाहिए क्या, ओके मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, एक मिनट में भेजता हूँ, मैं तुम्हारा नंबर शेयर कर दिया। अब क्या हुआ, काम का तुम्हारा रेंज जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इस काम में न ही कोई हैटिक है, न ही कोई आपको हार्डवर्क है कि आपको रोड पे जाके परेशान होना है, जॉब सर्च करना है, कुछ नहीं है। जॉब करो नो डाउट, यूनिंग में 1 घंटा दोगे क्या, 1 घंटा दो, 1 महीने में सीखो, परफेक्शन लेके आओ, 2 महीने से काम स्टार्ट कर दो, 3 महीने में 4 महीने में धीरे धीरे एक एक रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, बट ये जेन्युइन मेथड है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। आज के टाइम में इसके लिए आप लिंक्डइन को यूज कर सकते हो, लिंक्डइन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, बस थोड़ा बहुत फ्रॉड से बचना। कई लोग काम करवा लेंगे आपको पैसे नहीं देंगे, तो पहले उसे कुछ ना कुछ पेमेंट लेके, जब अगर परफेक्ट हो तो कुछ ना कुछ पेमेंट लेके तब काम को स्टार्ट करो। सोशल मीडिया में आपके पास कई सारे इंस्टाग्राम के लोग हैं जो कि बहुत अच्छा अच्छा बनाते हैं, आप उनसे टच करो कि भाई अगर आपके पास काम आता है तो मुझे दो, आप हाफ लो हाफ मैं लेता हूँ, धीरे धीरे आप शेयर करो। तो मेरे अकॉर्डिंग इस तरह से अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो जिसको भी आर्टिस्ट और इंटीरियर में इंटरेस्ट है वो इस तरह से जा सकता है, और जिसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है
वो प्लानिंग और स्ट्रक्चर एनालिसिस में जा सकता है। कैसे? स्ट्रक्चर के एनालिसिस, भाई हम तुमको प्रॉपर प्लान देंगे, कॉलम में तुम्हारा जो स्टील लग रहा है उस स्टील को सेव करने का काम मेरा है, किस तरह से सेव करोगे अब ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। अच्छे से स्टैट लो, अच्छे से आरसीडीसी सीखो, कंप्लीट नॉलेज लो, एक्सेल सीखो, ढेर सारे ऐसे टिप्स लो, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, मैं खुद भी अब धीरे धीरे आप शेयर करूंगा क्योंकि अब टीम आ गई है। तो अब हम लोग जब इस चीज को शेयर करते हो आप, तो इनके टिप्स को देखो, बड़े काम काम की टिप्स रहती हैं। मैं भी ज्यादा चलाता नहीं, बट जब भी चलाता हूं तो मैं इसको लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें आती हैं, या तो उसको स्क्रीनशॉट ले लूंगा या तो फिर लिख लूंगा, जिससे कि उसको हमको आगे यूटिलाइज करने को हो जाता है। हमारे लिए वो कंटेंट होता है कि जिसको हम अपने एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे और क्या बोलते हैं साथ ही साथ अपने जॉब में भी हम लोग कर पाते हैं। अब इस तरीके से स्ट्रक्चर का प्लेटफॉर्म है और आर्टिचर प्लेटफॉर्म, दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए खुले हुए हैं। हो सके तो दोनों को कंबाइन कर लो, जैसे कि मैंने किया है। कई लोग मेरे से पूछते हैं, सर आप अर्निंग किस तरह से करते हो, अर्निंग के आपके क्या क्या सोर्सेस है, जॉब क्या करते हो, इस तरह से पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं कई लोग। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी मैं उस लेवल पे हूं कि मैं अपने पर्सनल क्वेश्चंस को ज्यादा बताऊं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस लेवल पे बना दिया तो डेफिनेटली शेयर किया जाएगा कि हमारी जर्नी कैसी है, क्योंकि जर्नी मैं बिलीव करता हूं कि उस इंसान की होती है जिसका स्ट्रगल हार्ड 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 होता है। अभी तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इतना कर लें कि आपकी डिमांड ज़्यादा हो, तो फिर हम लोग शेयर करेंगे अपनी जर्नी, मैंने कैसे स्टार्ट किया, बट उसका कुछ पार्ट यही है। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्टेंट किया, फ्री में बनाया, फ्री में बनाने के बाद एक्सप्लोर हुआ, और एक्सप्लोर होने के बाद एक दो अभी तो इतने प्रोजेक्ट है कि कभी कभी मैं मना कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर मुझे दे दिया करो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लोग हैं जिनको मैं शेयर करता हूँ। अगर आपके पास क्वालिटी में सच में दम है तो मुझे व्हाट्सअप करना 9792621121 पे, तो डेफिनेटली मैं प्रीफर करूँगा कि चलो एक प्रोजेक्ट तुमको देके चेक करते हैं। तो इस तरीके से आप पार्ट टाइम अर्निंग एक जेन्युइन मेथड से कर सकते हो। बहुत से और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप देखते हो अर्बन प्रो है, ठीक है, जस्ट डायल पे आप अपना एक रजिस्ट्रेशन कर लो कि भाई मैं मॉडलिंग करता हूँ, स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करता हूँ, लेकिन वो सब ना पैसे वाले प्लेटफॉर्म है, मतलब वहाँ पे पैसे आपको देना पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले फ्री वाले से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो। जब आपका काम बढ़े तो आप जस्ट डायल पर रजिस्टर कर लो, इंडिया मार्ट पर रजिस्टर कर लो, सुलेखा.com पर रजिस्टर कर लो, आपको काम ऑनलाइन आने लगेंगे। बट स्टार्टिंग में मैं नहीं कहूंगा कि आप ये सब इन्वेस्ट, कैमरा बंद हो गया तो मैंने सोचा चलो इधर से ही मोबाइल से रिकॉर्ड कर देता हूं। तो गाइस इस तरीके से आपके पास एक बहुत ही इजी स्टेप है, और इस स्टेप को लोगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आपको काम भी मिलने लगेगा, प्लस आपका फेम भी बढ़ेगा आपके एरिया में, जहां पे भी आप हो, अरे वाह क्या मॉडल किया है, क्या दिमाग लगाता है। थोड़ा सा इमेजिनरी थॉट रखना पड़ेगा, क्रिएटिव थॉट रखना पड़ेगा, और क्रिएटिव थॉट अगर नहीं आता तो मुझे बोलो, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सिर्फ यहाँ लिखना सर क्रिएटिव थॉट के बारे में बताइए, तो जो मैं करता हूँ वो मैं बता दूंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करो, जो प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस रहता है आप सबको पता है, हमेशा मैंने वही चीज़ आपके साथ शेयर करा है, तो आगे भी वही चीज़ शेयर करूंगा। चलिए मिलते हैं श्रेष्ठ वीडियो में, जय हिंद जय भारत। और क्या बोलते हैं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आइए अब जब टीम है तो सही में कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, प्लस आप लोग भी शेयर करो कि सर ये चीज़ें हैं जो आप शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे उसको इंक्रीज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।